पहले कच्चा प्लास्टर चढ़ा था, अब ये पक्का प्लास्टर लगा है। ये ऐसे सुना बहुत बुरा है, ऐसे उसको ले कर टाइम आपके बयान से कबूल अनेकार्थ है। उपदेशों से मेरी बुद्धि उन्नत हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए वास्तविक श्रेष्ठतर क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवद्गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझाने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी इससे अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह समझ नहीं सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त विषयों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धियोग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए कृष्ण मनुष्य कर्म